हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फॉर श्योर। आज हम लोग कोरोना वायरस से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कोरोना वायरस वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेंडेमिक बनकर सामने आई है, ठीक है, जो अभी तक पूरे वर्ल्ड के सारे देशों को कितने ज़्यादा प्रभावित कर चुका है। तो इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? तो इतने सारे हमारे जो लॉकडाउन्स हुए हैं 4 फेज में, ठीक है, सो सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन का लॉकडाउन लगाया था जो कि जनता कर्फ्यू के रूप में था। तो वह किस दिन था? वह 22 मार्च 2020 को हुआ था, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम तो आपको याद रखना है। ये जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कोरोना वायरस के जितने भी लक्षण, जितने भी सिम्टम्स सामने आए हैं, उसमें क्या होता है कि पहले सर्दी खांसी होता है, फीवर होता है, उसके बाद सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और मनुष्य के लंग्स में वाटर भर जाने की वजह से वो सांस नहीं ले पाते ठीक से और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला इसमें जो अंग होता है बॉडी का, वो होता है फेफड़ा, ठीक है। तो इसलिए प्रभावित होने वाला अंग है इसमें फेफड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5G प्लान जारी किया है, ठीक है। तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5G प्लान जारी करने वाला जो राज्य है वो है दिल्ली। अब ये 5G क्या है ये जानते हैं, ठीक है। सिर्फ 5G में सबसे पहला जो टी है वो है टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग का मतलब जितने भी हॉटस्पॉट वाले एरिया हैं दिल्ली में, जैसे कि निज़ामुद्दीन और भी बहुत सारे हॉटस्पॉट वाले एरिया है, तो वहाँ पे कम से कम 1 लाख लोगों की टेस्टिंग करनी है कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है, इस चीज़ की टेस्टिंग करनी है। दूसरा टी है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का मतलब हो गया कोरोना पॉजिटिव जो भी लोग हैं वो कितने लोगों के संपर्क में आए हैं, उनका ट्रेसिंग करना ताकि ये बीमारी और ज़्यादा ना फैले, उन लोगों को ईजिली डिटेक्ट किया जा सके। अब जो भी ट्रैक हो गए हैं, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट करना, तीसरा टी, और ये काम टीम वर्क में होगा। और ट्रैकिंग करना, ट्रैकिंग का मतलब हो गया कि जो जिन लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किससे किससे मिल रहे हैं, उनको ट्रैक करना ताकि बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले, ठीक है। तो 5T प्लान में 5T का क्या अर्थ है? टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रेसिंग, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? ऑप्शंस है कोविड-19, चाइना वायरस, SARS-CoV-2 या इनमें से कोई नहीं। तो कोरोना वायरस का नाम सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने दिया था वो था, साइंटिस्ट ने जो नाम दिया था वो था SARS-CoV-2, ठीक है, SARS-CoV-2। हमें पता है कि ये जो कोरोना वायरस अभी आया हुआ है ये सार्स फैमिली से है। इससे पहले भी कुछ साल पहले सार्स नामक महामारी फैली हुई थी, ठीक है। तो ये कोरोना वायरस जो है ये सार्स फैमिली का ही वायरस है। तो इसका पहला नाम था SARS-CoV-2। और देख लेते हैं कि SARS-CoV-2 का मतलब क्या है। SARS-CoV-2 है, इसका फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सार्स का फुल फॉर्म है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। और कोव से हो गया कोरोना वायरस और टू यानी कि सेकंड फेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? ऑप्शंस है सार्स, मर्स, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अभी तक तो पता चल गया है कि कोरोना वायरस जो है वो सार्स फैमिली का है। तो ये संबंधित किससे है? सार्स और मर्स दोनों से ही संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन हो गया उपयुक्त दोनों। अभी सार्स और मर्स क्या है वो देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड मर्स का फुल फॉर्म हो गया मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। सार्स एंड मर्स ये दोनों ही आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के टेस्ट का नाम क्या है, ठीक है। यानी कि कोरोना के डिटेक्शन में जो भी टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम क्या है, नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है एलिसा, RT-PCR, GFR टेस्ट या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कोविड टेस्ट के लिए जो भी टेस्ट किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए, उसका नाम है RT-PCR। अब RT-PCR क्या है वो देखते हैं। इसका एक फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना है, RT मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन,
ठीक है, NPCR हो गया, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, तो ये इस तरह से हो गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि एलिसा टेस्ट किस चीज़ में यूज़ होता है, तो जिस तरह से COVID-19 के डिटेक्शन के लिए RT-PCR टेस्ट होता है, उसी तरह से एलिसा टेस्ट जो होता है ये एड्स के डिटेक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, एड्स नामक बीमारी का, यानी कि HIV पॉजिटिव है या नहीं, जो भी टेस्ट किया जाता है उसे एलिसा टेस्ट कहते हैं। और जो GFR टेस्ट है, ये जो होता है, ये होता है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ में यूज़ होता है ये। ठीक है, तो इस तरह से एलिसा हो गया एड्स के लिए, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ में GFR टेस्ट होता है, और हम COVID-19 के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है वो है RT-PCR, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। चलिए, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? ठीक है, तो कोरोना केयर बीमा पॉलिसी है, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करने वाली कौन सी कंपनी है? तो ऑप्शन है फ़ोनपे, पेटीएम, LIC, इनमें से कोई नहीं। तो कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च करने वाली जो कंपनी है वो है फ़ोनपे। ठीक है, फ़ोनपे, फ़ोनपे आपको पता है एक पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है फ़ोनपे। और ये कौन सी कंपनी का पेमेंट ऐप है? तो ये फ्लिपकार्ट का पेमेंट ऐप है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर हो गया है बेंगलुरु, और अभी प्रेजेंट में इसके CEO हैं समीर निगम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फ़ोन पे पेमेंट एप्लीकेशन है, पेमेंट सिस्टम है, वो फ्लिपकार्ट कंपनी का है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, और इसके जो CEO हैं वो है समीर निगम जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई पड़ती है? माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना क्राउन की तरह दिखाई पड़ती है। ठीक है, क्राउन का मतलब होता है ताज या मुकुट। ठीक है, यहाँ पर आप इसका फोटो देख पाएंगे, इसकी जो संरचना होती है वो ताज की तरह होती है, इसी पे पहनने वाला ताज, इसी के बेसिस पे इसका नाम जो है कोरोना रखा गया है। हमारा 9th क्वेश्चन है, WHO के अनुसार COVID-19 में VI का क्या मतलब है? ठीक है, COVID-19 में VI का क्या मतलब है? ये VI, ठीक है, ऑप्शन है वायरस, वायरल, विक्रांत या नन। तो इसका आंसर है वायरस। ठीक है, कोविड का पूरा नाम आपको याद रखना है, कोविड का क्या मतलब होता है। कोविड में जो CEO है, CEO का मतलब होता है कोरोना। ठीक है, VI का मतलब हो गया वायरस, D हो गया है डिजीज़, यानी कोरोना वायरस डिजीज़, एंड 19 ये जो नंबर है इसका मतलब हो गया है 2019, ये 2019 में आया था इस तरह से। ये देखिए, कोरोना वायरस डिजीज 2019। इसका 10वां क्वेश्चन है, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई थी? तो किस संगठन ने पहली बार कोरोना वायरस को ग्लोबल इमरजेंसी के तौर पे बोला गया? ठीक है, तो वो संगठन कौन है? WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही कहा कि यह एक ग्लोबल इमरजेंसी का संकेत है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर क्या है? वो है जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, और इसके हेड है ट्रेडोस एधनोम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हेडक्वार्टर हो गया जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, और इसके जो हेड है वो है ट्रेडोस एधनोम। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी यहाँ से जो भी क्वेश्चन शुरू होंगे, ठीक है, तो कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटी जिनका निधन हो गया था उनके बारे में हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस से निधन हो गया है? ठीक है, मारिया टेरेसा, इनकी फ़ोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी देश की राजकुमारी थी? ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, स्पेन या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो यह जो थी ये स्पेन की राजकुमारी थी। ठीक है, फोटो आप देख पा रहे हैं इसका, ये 86 वर्ष की महिला थी और इनको रेड प्रिंसेस के नाम से जाना जाता था। ओके, तो मारिया टेरेसा का निधन हो गया, ये स्पेन की थी, 86 वर्ष की थी और रेड प्रिंसेस के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से परेशान होकर किस देश के वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर,
ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस सेफर ने आत्महत्या कर ली थी। ये न्यूज़ जो है काफ़ी सुर्खियों में थी, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थे किसी देश के, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इनकी जो कंट्री थी, कंट्री का बहुत ही ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा था और ये इतने ज़्यादा परेशान थे, ये समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे इसको हैंडल किया जाए, तो इन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो ये किस देश के थे ये आपको बताना है। ठीक है, ये थे जर्मनी के, फोटो आप इनका देख पा रहे हैं, ये हैं थॉमस सेफर। ठीक है, तो जर्मनी के, ये जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर थे। जर्मनी की कैपिटल क्या है ये आपको याद रखना है, जर्मनी की करेंसी आपको याद रखना है। ठीक है, कैपिटल है इसका बर्लिन और करेंसी है यूरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी आजम खान का हाल ही में कोरोना वायरस से निधन हो गया, यह किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, हॉकी, रग्बी, फुटबॉल एंड स्क्वैश। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पाकिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी आजम खान, इनकी ये तस्वीर है। आजम खान ये पाकिस्तान के खिलाड़ी थे और इनका निधन हो गया। ये क्या खेलते थे? ये स्क्वैश खेलते थे। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गीता राम जी का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। ठीक है, वे कौन थी? गीता राम जी जो थी वो इंडियन ओरिजिन थी लेकिन ये साउथ अफ्रीकन थी। ठीक है, तो यह कौन थी? यह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थी, फोटो इनकी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थी और ये एक वायरोलॉजिस्ट थी, यानी कि वायरस के ऊपर में ये रिसर्च करती थी। ठीक है, ये एक वायरोलॉजिस्ट थी, ये आपको याद रखना है। फोटो आप देख पा रहे हैं इनका। चलिए अगला क्वेश्चन में पहुँचते हैं, हाल ही में केन सिमुरा का कोरोना वायरस से निधन हो गया, वे किस देश के थे? केन सिमुरा कौन थे और किस देश के थे? ऑप्शन है चीन, इटली, जापान और सिंगापुर। ठीक है, तो केन सिमुरा जो थे वो एक जापानीज कॉमेडियन थे। ठीक है, कॉमेडी करते थे, कॉमेडियन स्टार थे। फोटो आप देख पा रहे हैं इनकी, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का कोरोना वायरस से निधन हो गया? महमूद जिब्रिल कौन से देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका कोरोना वायरस से निधन हो गया? तो इसका जो आंसर है वो है लीबिया। ये लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये 2011 में प्रधानमंत्री बने थे लीबिया में। ठीक है, तो लीबिया के प्रधानमंत्री थे, 2011 में प्रधानमंत्री बने थे। अभी लीबिया की कैपिटल क्या है? तो लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। त्रिपोली हो गया है लीबिया की कैपिटल और करेंसी है दिनार। चलिए सत्रह नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी की टीम ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन विकसित किया, यानी कि ड्रोन के द्वारा बड़ी बड़ी जगहों जैसे कि रोड, पार्क, फुटपाथ, ये सारी जगहों को सैनिटाइज किया जाएगा? तो ये कौन से आईआईटी ने किया यह काम? इसका आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने ड्रोन विकसित किया है जिसके द्वारा बड़ी जगहों को सैनिटाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस के लिए किस नाम का वेंटिलेटर तैयार किया है? ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने वेंटिलेटर एक बनाया है, उस वेंटिलेटर का नाम क्या है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? अमर, त्याग, प्रेम या फिर जीवन? तो भारतीय रेलवे ने जीवन नाम का एक वेंटिलेटर बनाया है जो कि रेलवे की कपूरतला कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित है। ठीक है, कपूरतला कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्राणवायु नामक पोर्टेबल एवं कम लागत का वेंटिलेटर विकसित किया? ठीक है, प्राणवायु नामक वेंटिलेटर विकसित किया है जो कि पोर्टेबल भी है और कम लागत वाला है, तो इसे विकसित करने वाला जो आईआईटी है वह है आईआईटी रुड़की।
ठीक है, आईआईटी रुड़की। अगला क्वेश्चन, कोविड क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम किसने विकसित किया? कोविड क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम किसने विकसित किया है? ऑप्शन है सी डॉट कंपनी, दूरसंचार विभाग, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो कोविड क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम विकसित करने वाला जो कंपनी है वो ये दोनों ही है, यानी कि सी डॉट कंपनी और दूरसंचार विभाग दोनों ने मिलकर ये किया है। तो इसका आंसर है उपयुक्त, दोनों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो कोरोना, अंग्रेजी, लैटिन, हिंदी या चीनी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो जो उत्पत्ति हुई है वो चाइना के वुहान शहर से हुई है, ठीक है, पर इसका जो नाम है वो चीनी भाषा नहीं है, इसका जो नाम है वो लैटिन भाषा पे रखा गया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है यहाँ पे कि वुहान से है तो चाइनीज़ होगा, नहीं, यह लैटिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने इस नाम की एक योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत क्या है कि करीब 4 करोड़ किसानों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर करीब 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। जो भी किसान, अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और ऐसे 4 करोड़ किसानों को दिया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया है? ठीक है, तो रेडियो स्कूल शुरू करने वाला जो राज्य है वह है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश ने ये आकाशवाणी जो रेडियो है इसके साथ मिलकर यह शुरुआत की है रेडियो स्कूल की, ताकि जो लॉकडाउन का समय है उसमें भी बच्चों को स्कूल में शिक्षा प्राप्त किया जा सके, शिक्षा दिया जा सके रेडियो के माध्यम से। तो आकाशवाणी के साथ मिलकर मध्य प्रदेश की सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का क्या नाम रखा गया है? ठीक, तो इसका जो नाम रखा गया है वो है पैथो डिटेक्ट, ठीक है, पैथो डिटेक्ट नाम रखा गया है। और ये पैथो डिटेक्ट जो भी टेस्ट किट है ये कहाँ पर डेवलप हुआ है? ये पुणे में डेवलप हुआ है, ठीक है, पुणे के माई लैब डिस्कवरी नामक टीम ने इसे डेवलप किया है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 24 क्वेश्चंस कोविड-19 से रिलेटेड डिस्कस कर लिए हैं, तो जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ये वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।